सो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था कि हर मंडे को एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अपनी लाइफ के बारे में, या फिर आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विकास यादव ब्लॉग पे। वैसे तो एक ब्लॉगिंग चैनल है, पर फिर मोटिवेशनल वीडियो, ये सोच रहे होंगे आप ये क्या बात हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ना आपको जीवन में सब कुछ फॉलो करनी चाहिए, आपको सारी बातें, ठीक है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके घर वाले कोई चीज़ को नहीं मान रहे कि आपको ये करना है वो करना है, घर वाले इसको नहीं मानते, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको जाके आप जरूर देख लेना एक बारी। तो आज हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक है, जैसे मेरे को भी पार्ट टाइम जॉब करने की मैं बात करता हूँ, मेरे को 2 दिन हुए पार्ट टाइम जॉब करते हुए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप पार्ट टाइम जॉब चालू करते हैं ना, तो पार्ट टाइम जॉब का मतलब क्या होता है कि पार्ट टाइम यानी आप समय का कुछ हिस्सा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप पार्ट टाइम से फुल टाइम में कब आ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन पार्ट टाइम तो कोई इंसान मजबूरी में चालू करता है ना, या तो पढ़ाई कर रहा हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, जैसे मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था, आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो उसके बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब की सोची थी कई बारी कि पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ, सुबह अपना रनिंग करूँगा और शाम में अपना ये जॉब करूँगा, ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है, लेकिन जॉब करते करते बंदा फुल टाइम कब आ जाता है और उसका सारा फोकस आर्मी की तैयारी से हट के, या जो भी चीज़ कर रहा हो, या स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा हो, तो उससे पूरा उसका ध्यान हट जाता है और पार्ट टाइम से फुल टाइम पे आ जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है गाइस उसके घर के लोग या फिर अड़ोस पड़ोस के लोग, ये वो, जैसे मान के चलो मैं हूँ, मैंने अभी 2 दिन हुए मेरे को जॉब करते हुए, बाद में आपको कोई बता दूंगा मैं क्या जॉब कर रहा हूँ। तो क्या सिस्टम है कि आप कहीं जॉब के लिए गए तो आपको पता चला यहाँ पे आपको 1 घंटे के 100 रुपये मिल रहे और आपको 4 घंटे की जॉब है तो आपको 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो आप क्या है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, और आप 4 घंटे आपने टाइम निकाला कि मैं 4 घंटे जॉब कर सकता हूँ और मैं 400 रुपये कमा सकता हूँ, तो आपके जो नेबर्स है, फैमिली है, पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो कहेंगे भाई पार्ट टाइम जॉब कर ही रहा है तो 4 घंटे ही कर रहा है, तो 1 घंटा और बढ़ा दे, 5 घंटे की कर ले, 400 की जगह वहाँ पे तो 600 रुपये मिल जाएंगे, 1 घंटा और बढ़ाने के तो 200 रुपये मिल जाएंगे, तो उधर जॉब कर ले। तो वो क्या है, बंदा जो है वो लालच में आ जाता है कि वहाँ पे मेरे को इतनी कमाई होगी, ये होगी, तो लालच में आ जाता है। तो ऐसे करते करते वो उसको जॉब को छोड़ देता है और 4 घंटे से 5 घंटे शिफ्ट होता है, उसका जो शेड्यूल था, चाहे पढ़ाई का शेड्यूल हो या फिर कोई चीज़ की तैयारी कर रहा हो उसका शेड्यूल हो, तो वो उसको उसका जो टारगेट है छूटने लग जाता है पीछे। उसका कारण क्या, उसके दिमाग में सिर्फ पैसा आता है कि इधर मैं इतना कमा रहा हूँ, इधर मैं इतना कमा सकता हूँ। तो जिस मकसद से आया था जॉब करेंगे पार्ट टाइम जॉब, उसको भूलकर और जिस चक्कर में कर रहा था डिफेंस की तैयारी या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ कर रहा था, उसको छोड़ के पैसे कमाने की तरफ बढ़ता जाता है। फिर उसको कोई बंदा बोलता है कि इधर 6,000 रुपये मिल रहे, इधर 7,000 रुपये मिल रहे, इधर इतने मिल रहे, तो ऐसे करते करते वो आगे निकलता जाता है और उसका पूरा फोकस जो है सिर्फ पैसे कमाने पे निकल जाता है, उसकी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाती है, जिस चीज़ की तैयारी कर रहा था उस पर ध्यान नहीं दे पाता। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, मैं 2 दिन हुए जॉब करते हुए और कई ज्ञानी लोग मेरे पास आ चुके हैं कि ये कर ले भाई, ये कर ले, वो कर ले, इतना कमा लेगा, इतना कमा लेगा। तो मैं उनको एक चीज़ साफ शब्दों में बता दूँ कि मेरा जो पैशन था आर्मी का था, जो कि छूट चुका है, कि जिस चीज़ की तैयारी करी थी, मैंने आपको पता टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, इसके चक्कर में आर्मी की तैयारी छोड़ दी, और उसके बाद जो है अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में जो है YouTube, आपको पता है YouTube चालू कर दिया है मैंने, YouTube से भी अच्छा खासा अर्निंग करेंगे जब चैनल चालू होगा, बढ़िया चैनल काम करेगा। तो वीडियो को आप थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि जो है ना, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, सेम टू सेम जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, या आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ हो, या आपने किसी फ्रेंड को बोला हो कि भाई इधर इतने रुपये मिल रहे, इधर इतने रुपये मिल रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब मत कर, तो उन फ्रेंड को जरूर शेयर करना है वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए आए हो ना, तो आपको फोकस पैसे पे नहीं देना, आपको सिर्फ ये देना है कि मेरे को 4 घंटे बिजी रहना है और वहाँ पे जॉब करनी है, आपका सिर्फ खर्चा निकल जाए, सिर्फ खर्चा निकल जाए कि मेरा काम चल जाए, ये नहीं कि भाई मेरे को ये शौक पूरे करने, वो शौक पूरे करने। तो आपके पार्ट टाइम जॉब से शौक तो कभी पूरे नहीं हो सकते, आपको पता है सैलरी कम मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो है कंट्रीज है उसके अंदर भी लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जैसे कई कई डिलीवरी जॉब्स है या कई भी कई चीज़ें होती है, जैसे डोमिनोज में हो गई या फिर जोमेटो से होगी, कई चीज़ हो गई, या फिर मैकडी में हो गई, कई जॉब्स होती है, मतलब जो पार्ट टाइम के लिए सबसे अच्छी जॉब है स्टूडेंट्स के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं वैसे है तो जॉब कई है, लेकिन मैं इनके नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है, इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, लोग 4 घंटे की करते हैं, तो उसको कोई आता सजेशन देता है भाई इधर कर ले उधर कर ले, तो ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको जो है अपनी स्टडी पर फोकस करना है। अगर आप स्टडी में फोकस कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हो, IAS, IPS, UPSC कोई भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको इन सब पे नहीं देना। और अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हो ना, अगर आप आर्मी ही कर रहे हो, वैसे TOD के बाद भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे को पता है हम लोगों ने तो तैयारी छोड़ दी है, तो आप एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि फिजिकल थोड़ा हार्ड हो गया TOD में, तो आपको 2 टाइम फिजिकल को देना ही देना है और उसके बाद आप जॉब करो, अपना कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप जॉब जो है ना पार्ट टाइम जॉब का मतलब पैसा कमाना मकसद नहीं होता, आप उसके पीछे बताना कि मुझे पैसा कमाना ये करना है, इसके पीछे आओगे तो जो आपका एम था कि मुझे फौज में जाना है, एसएससी क्लियर करनी है, ये करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो आप वो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और ये बात ज़्यादातर ना यूपीएससी वाले बच्चे ध्यान रखना जो कि अपने यूपी बिहार से बाहर से आते हैं दिल्ली में कि आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, तो वो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, उनको यहाँ पे पता है दिल्ली में किराया महंगा इतना ज़्यादा है, 8-9 हज़ार रुपये छोटे छोटे कमरे के लिए जाते हैं, करोल बाग में जो है मुखर्जी नगर में जो है छोटे छोटे कमरे के 8-9 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, खाना पीना वहाँ पे इतना महंगा होता है, उनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते इतना, तो पार्ट टाइम जॉब चालू करते हैं। तो वो पार्ट टाइम जॉब चालू करते करते 2-3 घंटे की जगह 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पार्ट टाइम जॉब पे अपने देने लगते हैं, लेकिन उनका क्या होता है बाद में फिर सिलेक्शन रह जाता है यूपीएससी में, क्योंकि अपनी स्टडी पे ध्यान ही नहीं दे पाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो। और हर मंडे को मैं कोशिश करूँगा आपको एक ऐसी वीडियो दे सकूँ जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो लाइफ में, ओके, आपको थोड़ा पंच मिले। और अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि अपने घर वालों को कैसे मनाया, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप जरूर देखना, मिलते हैं कोई बढ़िया से वीडियो में। और मैं बताना चाहता हूँ कल जो है मेरे भांजे का बर्थडे है, तो उसकी वीडियो भी मिलेगी, उसको हम सरप्राइज देंगे घर पे जाके, मेरी बहन के घर पे जाके उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। तो जब तक चैनल सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ और मिलते हैं कोई बढ़िया सी वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद।